नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। भारत में लोग बिना सोचे समझे खुद ही दवाइयां लेने शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा बुखार हुआ तो चलो मेडिकल शॉप से दवाई लेते हैं, या कुछ दवाइयां तो ऐसी हैं जो हम घर पर ही खरीद कर रख लेते हैं। इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि भारत के लोगों ने 2019 में 500 करोड़ रुपए की एंटीबायोटिक्स खाई हैं, लेकिन लोग इससे होने वाले नुकसान पर जरा भी ध्यान नहीं देते। तो चलिए आपको बताते हैं कि एंटीबायोटिक कब खानी चाहिए और कब नहीं। अब सबसे पहले ये समझिए कि एंटीबायोटिक होता क्या है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने और उसे रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाइयाँ बैक्टीरिया को मारने और उससे फैलने से रोकने का काम करती हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम हर इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं? तो जवाब है ना। एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन होने पर काम नहीं करती। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी, खांसी और गले की खराश। अब सवाल ये कि अगर आपने वायरल इन्फेक्शन और हल्के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक्स ले ली है तो क्या होगा? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डेंजरस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस बनाने का काम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक्स तब यूज़ कर रहे हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब अगली बार आप उन एंटीबायोटिक्स की सबसे अधिक ज़रूरत होगी तब शायद वे काम नहीं करेंगी। इसलिए ऐसा करना आपको और आपके परिवार को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खतरे में डाल सकता है। अब जो लोग बात बात पर एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं तो उससे उन्हें क्या परेशानी होगी? बॉडी से गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, किडनी फेल होने की आशंका रह सकती है, डायरिया, पेट दर्द और जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है, महिलाओं में वेजिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन का होना, एलर्जी की समस्या का होना, हार्ट अटैक की समस्या और ब्रेन डैमेज का भी खतरा रहता है। जिन लोगों का हार्ट कमज़ोर है उनके लिए एंटीबायोटिक खतरनाक हो सकती हैं। जिनको हार्ट फेलियर हुआ है या जिनकी हार्ट मसल्स कमज़ोर हैं या डैमेज हुई हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स देने से बचना चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक्स हार्ट पेशेंट्स के लिए ज़्यादा रिस्की हैं, इसलिए हर बीमारी में एंटीबायोटिक्स लेने की गलती ना करें। हमेशा डॉक्टर के पास जाएं और उसे अपनी पुरानी बीमारी के बारे में ज़रूर बताएं। इसके बाद डॉक्टर को तय करने दें और हमेशा दवाई के कोर्स को पूरा करें। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। भारत में लोग बिना सोचे समझे खुद ही दवाइयां लेने शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा बुखार हुआ तो चलो मेडिकल शॉप से दवाई लेते हैं, या कुछ दवाइयां तो ऐसी हैं जो हम घर पर ही खरीद कर रख लेते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि भारत के लोगों ने 2019 में 500 करोड़ रुपए की एंटीबायोटिक्स खाई हैं, लेकिन लोग इससे होने वाले नुकसान पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते। तो चलिए आपको बताते हैं कि एंटीबायोटिक कब खानी चाहिए और कब नहीं। आप सबसे पहले ये समझिए कि एंटीबायोटिक होता क्या है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने और उसे रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाइयाँ बैक्टीरिया को मारने और उससे फैलने से रोकने का काम करती हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम हर इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं? तो जवाब है ना। एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन होने पर काम नहीं करती। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी, खांसी और गले की खराश। अब सवाल ये कि अगर आपने वायरल इन्फेक्शन और हल्के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक्स ले ली है तो क्या होगा? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डेंजरस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस बनाने का काम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक्स तब यूज़ कर रहे हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब अगली बार आप उन एंटीबायोटिक्स की सबसे अधिक ज़रूरत होगी तब शायद वे काम नहीं करेंगी। इसलिए ऐसा करना आपको और आपके परिवार को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खतरे में डाल सकता है। अब जो लोग बात बात पर एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं तो उससे उन्हें क्या परेशानी होगी? बॉडी से गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, किडनी फेल होने की आशंका रह सकती है, डायरिया, पेट दर्द और जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है, महिलाओं में वेजिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन का होना, एलर्जी की समस्या का होना, हार्ट अटैक की समस्या और ब्रेन डैमेज का भी खतरा रहता है। जिन लोगों का हार्ट कमज़ोर है उनके लिए एंटीबायोटिक खतरनाक हो सकती हैं। जिनको हार्ट फेलियर हुआ है या जिनकी हार्ट मसल्स कमज़ोर हैं या डैमेज हुई हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स देने से बचना चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक्स हार्ट पेशेंट्स के लिए ज़्यादा रिस्की हैं, इसलिए हर बीमारी में एंटीबायोटिक्स लेने की गलती ना करें। हमेशा डॉक्टर के पास जाएं और उसे अपनी पुरानी बीमारी के बारे में ज़रूर बताएं। इसके बाद डॉक्टर को तय करने दें और हमेशा दवाई के कोर्स को पूरा करें। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।